हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ्लानर श्रेणी दशम पिले। आशा करुच्ची समस्त तुम मानकर जो एससी वन परीक्षा पे जो प्रिपेरेसन चलती है ता बहुत बेस्ट वे चलती है। तो आज वीडियो रे तुम जो गणित परीक्षा अच्छी पिला माने से गणित परीक्षा रे जो 30 मार्क आसीबो तुम जो सब्जेक्ट क्वेश्चन जो थ्रु बीज गणित रु आसीबो पिला माने 15 मार्क आमती रु आसीबो 15 मार्क मु सब्जेक्ट क्वेश्चन कथा कहूँ। तो आज वीडियो रे जो बीजगणित बहुत जो 15 मार्क आसो तार इम्पोर्टेंट आउ सिलेक्टेड सब्जेक्ट क्वेश्चन कौन अटे आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा। सर्वप्रथम पे आम टे सिलेबस को देखीद देख तुम टर्म वन रो मेथ्र सिलेबस अच्छी स्पेशल जब मुझे बीजगणित कथा कहि तो ये तुम तीन टा पार्ट अच्छी गोटे हूँ सरल सह समीकरण दुई हूँ परिसंख्यन तीन हूँ स्थानक ज्यामिति ए तीन टा पार्ट रू पे तुम 15 मार्क क्वेश्चन आसो। तो एथर आम कही पारे सरल सह समीकरण पे पांच मार्किया क्वेश्चन दुटा आसव जहाँ भितर गोटे लिखापी कही थोड़ा मत पांच मार्किया क्वेश्चन दुटा आसो एथर गोटे लिखापी कह आर मत पांच मार्किया क्वेश्चन दुटा आसो से गोटे लिखापी कह तो से हिसाब से पाँच पाँच दस दस पाँच पंद्रह इमती किसी प्रश्न आसवर संभावना अच्छे। तो सर्वप्रथम आम प्रथम अध्याय तुम जो सरल सह समीकरण रहा तार कौन इम्पोर्टेंट प्रश्न आसो तक आम टे आलोचना करवा ठीक अच्छे। तो पे देख यो पाठर मानने क्वेश्चन आंसर को जवाब पूर्व आग समस्त यही टेबुलेसनटा टे भलसे प्राक्ट करदेव यही टेबुलेसनटा जो संगत स्वतंत्र संगत निर्भरशील असंगत तापर प्रतिकल्पन अपसारण वज्रगुणन जो तीन टा पद्धति अच्छी आउ थोड़ा कौन प्रतिकल्पन अपसारण वज्रगुणन ये जो तीन टा पद्धति अच्छी ताकू बराबर देखीदेव ठीक अच्छे। तापर आम क्वेश्चन को जी जा रख यो सब्जेक्ट क्वेश्चन पे मैंने तुम टोटाल पांच मार्किया तीन टा आसो बीजगणित बहुत कौन दुई मार्किया किंवा तीन मार्किया किंवा चार मार्किया एमती क्वेश्चन आसो ना पांच मार्किया क्वेश्चन आसो से दुई मार्किया तीन मार्किया क्वेश्चन पर जमा फोकस करना ठीक अच्छे। आ सीधा सड़क पे अनुशूलन एक बी को जीव अनुशूलन एक बी रे बराबर देख तुम्हें जदि प्रतिकल्पन प्रणाली अपसारण प्रणाली आ वज्रण प्रणाली अर्थात तुम्हें जदि यही तीन टा नंबर एक नंबर क्वेश्चन दुई नंबर क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन ए तीन टा नंबर जब तुम बराबर प्राक्ट कर दौ पे एथु निश्चित रूप गोटे प्रश्न आसव अधिक संभावना अच्छी पे अपसारण प्रणाली आ वज्रण प्रणाली मीनस ए दुटा क्वेश्चन रू ही गोटे अप्सन मानने गोटे लिखापी से कही थी बुझीपना तो अधिक संभावना एक बी अनुशूलन दुई नंबर तीन नंबर आसवर लगुच ठीक अच्छे। तथापि जो मैंने टी भलसे प्रिपेरेसन होगा चाहूँ कौन से प्रकार द्वंद्व कि कौन से प्रकार चान्स नापी चाहून कम मार्क रहा तो से निश्चित रूप अनुशूलन एक बी एक दुई तीन नंबर प्रत्येक हिट को प्राक्ट करदेव ठीक अच्छे। आ चार नंबर क्वेश्चन पे मैंने जदि पार तेरे भि बीटा टी देखी थी ठीक अच्छे। यापर जो क्रेमर्स रूल अच्छी आर मत गोटे जोड़ नंबर देखी थी बीस ना गोटे जो नंबर जब प्राक्ट करद दैट इज एनफ। यापर अनुशूलन जो एक सी अच्छे पे तुम्हें चाहिए आपको स्किप करदे पार कहीं जदि भी बेसी हेल्ले अनुशूलन एक सी आ एक बी ए दुटा भितर हूं तो गोटे भी क्वेश्चन आसपे तुम जब एक बीटा भी प्रपर्ली पढ़ दे तो एक सी को नहीं कौन से ओरिया आवश्यकता रहा तथापि यही नंबर मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहींपरि आ भर पे आठ नंबर क्वेश्चन टा गोटे दस नंबर क्वेश्चन गोटे ठीक अच्छे। ए दुटा क्वेश्चन ता सहित चौदह नंबर क्वेश्चन है बुझीपा बोले चौदह नंबर क्वेश्चन तापर आसला तुम उन्नीस नंबर आ कोड़े नंबर क्वेश्चन ए तीन नंबर टी बराबर देखी थी। तापर आसला तुम द्वितीय पाठ जहाँ नाम हूँ परिसंख्यान जो कि एससी वन सिलेबस रिलेटेड अटे। तो परिसंख्यान चैप्टर पे मैंने तीन टा कनसेप्ट अच्छी गोटे हूँ कौन गोटे हूँ तुम मध्यमान ठीक अच्छे आड़ हूँ मध्यमा आड़ हूँ गरिष्ठक तीन टा जिनस अच्छे तीन टा जिनस पे गरिष्ठक रिलेटेड किसी रिलेटेड क्वेश्चन आसला भाया मतलब लगुनी मध्यमान रु मध्यमु ए दुटा नंबर रू पे क्वेश्चन आसो मीनस मध्यम गोटे क्वेश्चन आसो आ मध्यम गोटे क्वेश्चन आसो ए दुटा भितर जेको तुमको गोटे लिखापी कही थो बुझीपना तेणु समस्त निहतर मध्यम और मध्यम रिलेटेड जो क्वेश्चन अच्छी भलसे प्राक्ट कर ठीक अच्छे। तो चल प्रथम देखिए मध्यम रिलेटेड कौन प्रश्न आसपार देख जब आम अनुशूलन ए को जो जी पांच ए तो पांच ए अनुशूलन पे मैंने तुम सीधा सड़क जीव पड़ी जाचना देख ख विभाग को जीव ख विभाग पे मैंने जो तीन मार्किया जो तीन नंबर क्वेश्चन चार नंबर ए जाक कौन आसब ना पांच मार्किया हिसाब से यह सब दुई मार्किया क्वेश्चन जाक सब इंपोर्टेंट हूँ पे मैंने देख यहाँ चौदह नंबर क्वेश्चन आ पंद्रह नंबर क्वेश्चन ए टाइप क्वेश्चन आसो मीनस तुमको संभाग दे थोड़ा कि संभाग मत देख पे दु प्रकार छेड़े चौदह पंद्रह तुम देखी पार्थ शून रु कोड़े कोड़ी चालीस चालीस षाठी षाठी अशी ठीक अच्छे। आउ गए हूँ दस रु उ कोड़ी रु उ डिफरेन्ट देखिपार
जिमी देख य प्रथम संभागर शेषटा द्वितीय संभागर प्रथमटा जो लोएस्टा सेम अच्छे कितु एटार सेम अच्छे कि सेम ना तो तुमको ए टाइप रही किसी क्वेश्चन परीक्षा आसो आ स्पेशल पे संभाग या क्वेश्चन आगे आसो केवल भाग विभक्त या क्वेश्चन परीक्षा आसला भाया लगुनि तेनाली समस्ते निहत रूपे यो अनुशूलन आर जो जाक संभाग विस्तार देती तार टे पढ़देव टी जमीक से तुम एक नंबर क्वेश्चन हो बार नंबर क्वेश्चन हो तापर यार जो दस नंबर क्वेश्चन जो अच्छी यहाँ मैं भलसे प्राक्ट कर देव ठीक अच्छे मैंने यहाँ देख आठ नंबर क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छे तापर तुम एगार नंबर क्वेश्चन बार नंबर क्वेश्चन आउ चौदह पंदर ये क्वेश्चन पे भलसे प्राक्ट कर देव देख पे तुमको जब भल मार्क आने को ना तो जो नंबर जहाँ कहूँ ताको टोटाली स्किप करना ठीक अच्छे ये मुझे ग्यारंटी कहे जो नंबर तुमको दिखाई ना 99% चान्स अच्छी ठीक अच्छे 99% चान्स अच्छी ये भितर किसी प्रश्न आसपार तेणु समस्ते निहत रूपे अवहला न कर मिनिमम तो ये नंबर प्राक्ट कर कितु पे यहाँ कहूनी जो तुम केवल एति नंबर आगे रही जो मैंने भल पिला जो मैंने अधिक मन रखी पाच से निहत रूपे गणितर प्रत्येक नंबर को प्राक्ट कर प्राक्ट कला शेष मुहूर्त ए नंबर को टी भलसे फोकस कर जो मैंने दुर्बल पिला अच से एतिक नंबर को प्राक्ट कर मिनिमम तो तुम पंदर रु आराम से आठ नौ तो रही ठीक अच्छे देखिया मध्यमा देख मध्यमा जो अच्छी पे यार देख को नंबर जगह आसव तुम इंपोर्टाट अच्छी परीक्षा हाँ आउट पे आउट नंबर मुझे छाड़ी जस्ट ए सेकेंड हाँ आर सोल नंबर देखी थोड़ा सोल नंबर मतलब टी जी पारे बोले देखी देव है प्रकार मतलब किसी क्वेश्चन आसपार बेले बेले मतलब आसी जमीक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्रभृति एन संख्यक लब्धा मध्यम जब एम हुए तेज एतिक इक्वल षाठी एतिक्वल चबीस तेज एन एम रैल्यू बाहर करमी मतलब प्रश्न पे मैंने प्रिवियस जो बोर्ड एक्जामेसन हो आसी अच्छे ठीक अच्छे तापे देखा सेकेंड अनुशूलन कौन सब इंपोर्टेंट प्रश्न हो पार अनुशूलन पांच बी रख जोटा कि मध्यम रिलेटेड अटे एथर मत पे मैंने संभाग विस्तार रिलेटेड मीन से शून्य दस दस रु कोड़े जो अच्छी नंबर जगह तुम देख है कि आलका जो अच्छी केवल बारंबारता अच्छी से जाक नेसेसरी ना ओके आठ नंबर क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन ये जाक टे भलसे प्राक्ट कर बुझीपना एगार बार ये क्वेश्चन प्राक्ट कर गरीष कर पे सीधा किसी क्वेश्चन आसब ना कि तुम्हें यहाँ टी देखी दिव लगे बुझीपना एमओ इक्वल टू थ्री एम डी माइनस टू एम बुझीपना मानने गरीष्ठक इक्वल टू गरीष्ठक इक्वल टू तीन मध्यमा फेराण दुई मध्यम फर्मूला टे मन रखीदि ओके आसा तुम पे नेक्स्ट चैप्टर हूँ स्थानांग जमीति तो चलो स्थानांग जमीन देखा देख स्थानांग जमीति में पे मैंने तीन टा अनुशूलन अच्छी आ भितर सब बेस्ट आउ हाइली इंपोर्टेंट हूँ छी आम सीधा साल छी को जीवा देख देख छी अनुशूलन आस पहुँचे छी रिला मैंने तुम्हें एत आ किसी चिंता करनी सीधा साल जो त्रिभुज जो क्षेत्रफल अच्छी से जाक प्राक्ट करदेव ठीक अच्छे मानने त्रिभुज दे थी त्रिभुज दे थी त्रिभुज पे मैंने यही बिंदुर स्थानांग दे थो मन एक्स वन वाई वन एटा देती एक्स टू वाई टू एटा देती एक्स थ्री वाई थ्री तो यार क्षेत्रफल बाहर कर ठीक है जो सूत्र अच्छे हाफ होल इंटू एक्स वन होल इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री ठीक अच्छे जो ए रिलेटेड जो क्वेश्चन मानते जो फर्मुला अच्छे आपको भलसे प्राक्ट कर किसी नंबर मतलब अभ्यास भी कर ठीक अच्छे बुझीपार कि ना जमीती कहे जस्ट ए सेकेंड हाँ ये चार नंबर क्वेश्चन देख ये देखा गोटे त्रिभुज शीर्ष बिंदु मान स्थानांग देला तीन टा बिंदुर स्थानांग देला एथेरे देख तीन बिंदु तीन नंबर बिंदु एक्स देती यार क्षेत्रफल से देती चार वर्ग एक कहली तेज एक्स रान बाहर कर तो ए टाइप क्वेश्चन मतलब पे आसपे मैंने त्रिभुज रिलेटेड थी जो क्वेश्चन जाक ये जाक आसवर अधिक संभावना रोचे तो दुई नंबर क्वेश्चन देख ये तीन टा बिंदु देला त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर करने कही तो यहाँ मतलब प्राक्ट कर तापर देख पे जो चतुर्भुज क्षेत्रफल अच्छे से देखिए थी अवश्य चतुर्भुजा किसी बड़ जिनस ना कहीं देख चतुर्भुज मन गोटे ये मन मजे गोटे मुझे कर्ण अंकन करदेली ए बी सी डी चतुर्भुज मुझे एसी कर्ण अंकन करदेली देख ए बी सी है गोटे त्रिभुज आउ ए डी सी है गोटे त्रिभुज तुम कौन कर यार क्षेत्रफल बाहर करने कही थो तो आग यही त्रिभुज बोले ए बी सी त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर कर ए डी सी त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर कर मिसेद सिंपल ओके तो ये प्रकार प्रश्न यही चैप्टर किसी पढ़ थोड़ा तापर आसा छी जो अनुशूलन को जो पे
एथेरे तुम जो अंत विभाजन अच्छी से भलसे प्राक्ट कर अंत विभाजन जमीक देख क्वेश्चन तुम एम कि हूं तो आसपे जस्ट ए सेकेंड तुम देखा देख क्वेश्चन नंबर आर आठ नंबर आ नौ नंबर क्वेश्चन देख दीटा बिंदुर स्थानक दला मीन ये गोटे बिंदु यहाँ गोटे बिंदु ए बिंदु दुटा को जोड़ा द्वारा जो रेखाखंड सृष्टि ए रेखाखंड को आउ गोटे बिंदु तीन अनुपात दूरी भाग कर तीन भाग एटा दि भाग तेज ये जो मझे जो बिंदुटा आसला आर स्थान के बुझीपना यही बिंदुर तुमको स्थानांग यही बिंदुर देती स्थानांग आई जो मझे जो बिंदुटा आसला ये पूरा रेखाखंड को तीन अनुपात दूरी भाग कर तेज यही बिंदुर स्थानांग बाहर कर बोली सी पचारि ठीक अच्छे तो यार जो सूत्र अच्छे आम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन बम प्लस एन ये फर्मुला अच्छे फर्मुला को तुम व्यवहार करके बाहर कर तो पे एर गोटे क्वेश्चन आसा संभावना अच्छे बुझीपा तुम जो स्थानक जमीन जो क्वेश्चन आसो से गोटे थी ये अंतव्यक्त करुवा जो बिंदु अंत विभाजन जो सूत्र अच्छी आपको रिलेटेड थी गोटे प्रश्न थी आउ गोटे जो त्रिभुजर क्षेत्रफल जो बाहर करापे तो ये भितर जो गोटे तुमको लिखापी कहते से तुम जब गणित भल स्कोर करने चाहो तो निश्चित रूप दुटा जाक भलसे प्राक्ट कर ठीक अच्छे आर स्पेशल आठ नंबर नौ नंबर क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन तपर आस देख एगार नंबर क्वेश्चन टाइम देख स्थान जमीन साहब प्रमाण कर कौन से त्रिभुजर मध्यम त्रय एक बिंदुगामी मध्यम समस्त जानव देखिए यहाँ गोटे त्रिभुज ए त्रिभुजर शीर्ष बिंदु विपरीत बाहूर मझी बिंदु को जो कर रेखाखंड को मध्यम कह जाए ये तीन जाक मध्यम एक बिंदुगामी अटे बोली प्रमाण कर स्थानक जमीन साहय ठीक अच्छे स्थानक जमीन साहय प्रमाण कर गोटे बिंदुगामी तो एगार नंबर क्वेश्चन मतलब पे इंपोर्टेंट अच्छे वेरी इंपोर्टेंट तो एगार नंबर क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीटेड भी होती से कहीं मतलब मिस कर ना ठीक अच्छे ये जिनस देख पे तुम सब्जेक्ट क्वेश्चन आराम से हो बुझीपा ना तापर पे यार परवर्त भिड में जो तुम जो ज्यामिति सेक्शन अच्छे ताकि डिस्कस करवा स्पेशली तुम जो वृत्त परिमिति वृत्तर स्पर्शक त्रिकोणमिति अंकन यही सेक्शन में कौन सब इंपोर्टेंट प्रश्न आसपार जहाँकि पंद्रह मार्क आसमें डिस्कस करवा ठीक अच्छे पे तो चलो वीडियो को हम एटेंड करवा समस्त को थैंक यू सो मच।